Assalamu alaikum students, today our topic is AC through an inductor. Previous topics mein humne jo hai wo study kiya tha ki AC ko humne pass karwaya tha through a resistor aur secondly phir humne AC ko pass karwaya tha through a capacitor. To humne different type ke jo hai wo behavior study kiye the. Jab resistor ke through humne AC ko pass karwaya to humne dekha ki voltage aur jo hamara current tha wo dono ek dusre ke sath in phase rahe the. Jabki capacitor ke topic mein humne dekha tha ki current hamesha lead karta hai by the angle of 90 degree with respect to the voltage. Ab hum aise hi dekhenge ki jab AC voltage हम प्रोवाइड करते हैं अपने इंडक्टर को तो उसके अंदर जो हमारा वोल्टेज है और करंट है उनके आपस में क्या रिलेशनशिप होती है उसको हम जो है वो अब स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पे हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स अटैच किया और इधर हमने एक जो है वो इंडक्टर अटैच कर दिया. ठीक है, ये हमारा ऑल्टरनेटिंग सोर्स है और वो हमारा इंडक्टर है. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी शुड नो कि इंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने एक नाम पढ़ा था जिसको हमने सोलेनोइड कहा था. सोलेनोइड के बारे में हमने देखा था कि एक अगर हम आयरन सिलेंडर ले लें, ठीक है, या आप एयर कोर भी ले सकते हैं. यहाँ पे यूजुअली हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक आयरन सिलेंडर लेते हैं और इसके ऊपर हम किसी वायर को ले कर उसकी यूँ वाइंडिंग कर दें, यानी एन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे जो हैं वो वायर्स के डाल दें तो जो हमारे पास एक मटेरियल बन जाता है, जो एक जो वो डिवाइस बनती है वो हमारे पास सोलेनोइड कहलाती है. अब सोलेनोइड को आप जो है वो इंडक्टर भी कह सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा इसको हम जो है वो कॉइल का भी नाम देते हैं, कॉइल विद एन नंबर ऑफ टर्न्स कह लें या फिर सोलेनोइड कह लें या आप इसको इंडक्टर कह लें, तो ये एक ही बात है. अब जो इंडक्टर होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर के अंदर ये जो हम वायर यूज़ कर रहे होते हैं इस वायर की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा, टू मच थिक वायर होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक वायर होने की वजह से जो ये पूरा एरिया है वो हो जाता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज. अब एरिया इंक्रीज़ करवाने से हमें क्या फ़ायदा होगा. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में एक फार्मूला पढ़ा था, डेट इज़ आर रो एल ओवर ए. ये फार्मूला हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फार्मूला सिंपली हमें ये बताता है कि जब भी एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी हमारे पास. इट मीन्स कि ये जो इंडक्टर है या सोलेनोइड है जिसमें हम बहुत ज़्यादा थिकनेस वाली जो है वो वायर का इस्तेमाल करते हैं तो एरिया बढ़ने की वजह से जो हमारा इंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इंडक्टर की अपनी क्या प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, हमने जो है वो प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक स्टडी किया था. ठीक है, सेल्फ इंडक्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि एक हमने सोलेनोइड लिया था, कॉइल लिया था या जिसको आप इंडक्टर भी कह सकते हैं, उसको हमने एक पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी थी और फिर हमने कुछ फिनोमेना स्टडी किया था और वो ये था कि whenever there is a rate of change of flux through a coil, an EMF is induced in the coil. और rate of change of flux का मतलब क्या है कि हम पीछे से current को जो है वो change कर रहे हैं. So basically आप ये कह सकते हैं कि whenever there is a rate of change of current in a coil, इसको हमने कुछ ऐसे study किया था यूँ, और यहाँ पे हमने जो है वो बैटरी कनेक्ट कराई थी, मीन्स यहाँ हमने पहले डीसी सोर्स प्रोवाइड किया था. तो जब हमने एक इंडक्टर को डीसी सोर्स प्रोवाइड किया था और यहाँ पे हमने जो है वो स्विच लगा के करंट की वैल्यू को वेरी करवाया था, स्टार्टिंग में करंट ज़ीरो था, देन स्विच क्लोज करके करंट को मैक्सिमम कराया था, तो हमने सिंपली चेंज इन करंट प्रोड्यूस करवाया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ईएमएफ जो है वो हमारे पास इंड्यूस हो जाती है. अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये हमेशा ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है किसके मुकाबले में, वो ईएमएफ जो कि बैटरी की होती है. और बैटरी की ईएमएफ को यूजुअली हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स कि ये जो इंडक्टर होगा इसकी ईएमएफ उससे बिल्कुल ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है. अब सेम फिनोमेना यहाँ पे भी होता है. हमने देखा था कि जब भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट करते हैं यानी फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ये जो प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ होती है ये उस चेंज इन करंट को हमेशा अपोज करने की कोशिश करती है. सो सेम इज़ द केस हेयर कि यहाँ हमने एक इंडक्टर के साथ एसी सोर्स लगाया है. एसी सोर्स का मतलब क्या है,
ऐसा वोल्टेज जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा. अगर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. आई बी विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम है वो क्या होगा, चेंज होगा. तो अगर हम ये वाला जो वोल्टेज है वो हम यहाँ इंडक्टर को प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, इंडक्टर के थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और करंट चेंज होने की वजह से एक EMF इंड्यूस होगी जो कि इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या करवाएगी, अपोज करवाने की कोशिश करती है. तो इसी तरह का फिनोमिना हमारे इस प्रोसेस में होता है कि जब भी हम यहाँ AC सोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली बात है कि पहले हमारे पास करंट इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, देन डिक्रीजिंग है यानी नेगेटिव है, तो करंट में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो इंडक्टर है ये इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करने की जो है वो कोशिश करता है. इट मीन्स कि जो हमारा ये इंडक्टर है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये AC को ब्लॉक करने की कोशिश करता है या अपोज करने की कोशिश करता है. तो ये हमारे पास एक ब्रीफ सा इसका जो है वो इंट्रोडक्शन आ गया. अब स्टूडेंट्स हम इसको इन डिटेल जो है वो स्टडी करते हैं कि क्या फॉर्मुलेशन जो है वो तमाम हो रही होती है. एक चीज़ तो ये कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे EMF जो इंड्यूस्ड होती है वो अपोज करती है किस चीज़ को, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को. अब यहाँ से अगर ऑपोजिशन मिल रही है इस जगह से, इस कॉइल से अगर ऑपोजिशन मिल रही है जिसकी वैल्यू ये है, इट मीन्स कि हमारे सर्किट में से तो जो AC हम भेज रहे थे इंडक्टर को, जिसने काम क्या करवाना था, करंट प्रोड्यूस करवाना था या सिंपली करंट को पास करवाना था थ्रू इंडक्टर. इट मीन्स कि अब अगर इस करंट को ऑपोजिशन मिलेगी तो ये तो अच्छे से पास ही नहीं हो पाएगा. तो अगर हमें अपने करंट को स्टेबल रखना है, स्टेडी रखना है, तो क्या करना पड़ता है, हमें इतनी ही ऑपोजिशन वाली EMF के इक्वल जो है वो बैटरी से जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, सेम मैग्नीट्यूड में ये इतना ही होता है, ठीक है. यानी यहाँ पर से हमें जो है वो इतना ही पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा जितनी यहाँ से हमें ऑपोजिशन जो है वो मिल रही होगी. तो ये हम जो है वो एक फिनोमिना यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि हमारा वोल्टेज किस तरह से वेरी कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर. सो सिंपली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कि पीछे से जो हमने यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड किया है वो है अल्टरनेटिंग सोर्स. अल्टरनेटिंग सोर्स से प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटिंग करंट. अब अल्टरनेटिंग सोर्स से अगर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं अगर उसको ड्रॉ करूँ तो इट विल बी लाइक डैट. ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की जो वेवफॉर्म है वो आ जाती है. सो स्टूडेंट्स ये मैंने एक वेवफॉर्म जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी. हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, इसे चाहे आप O कह दें, A, B, C, D, E, and F. तो ये मैंने इसको जो है वो नाम दे दिया. अब ये हमारे पास जो है वो क्या है, करंट जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब जब भी करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, इट मीन्स क्यों चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि पीछे जो हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, जो वोल्टेज दिया हुआ है, वो भी अल्टरनेटिंग ही है. अब अगर हम उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं तो वो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं. ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा T. अगर हम कांस्टेंट को और इक्वेलिटी को रिमूव कर दें तो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाती है. इट मीन्स V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अगर ऑब्जर्व करें तो y एक्सिस पे ये और x एक्सिस पे जो है वो ये है. ये हमारे पास क्या स्लोप के इक्वल नहीं होता. हमने पढ़ा था कि स्लोप हमेशा इक्वल होती है किस चीज़ के, y2 - y1 over x2 - x1. तो वो हमें वैल्यू देती है. तो अगर यहाँ पे हमने y एक्सिस पे करंट लिया है और उसका चेंज हम निकाल लें, लाइक i2 - i1, और x एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और उसका हम यू चेंज निकाल लें t2 - t1, तो ये स्लोप हमें आंसर देगी किसका, वोल्टेज का. तो स्लोप के थ्रू हम वोल्टेज की वैल्यू जो है वो देख सकते हैं. सो ये हमारे पास एक कर्व शेप है. कर्व शेप की जो हमारे पास स्लोप आती है वो हमेशा जो है वो
टेंजेंट ड्रॉ करने से आती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमने जो है वो क्या ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट जो है वो सिंपली ड्रॉ करना है। सो वी स्टार्ट कि सबसे पहले अगर यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट है वो सिंपली कैसा है, हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट की जो स्लोप होती है उसका आंसर मैक्सिमम आता है, इट मीन्स कि इस पॉइंट के ऊपर करंट हमारा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे करंट हमारा होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या हुआ, फिर अगर हम यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करें तो ये हॉरिजॉन्टल आएगी। हॉरिजॉन्टल स्लोप हमेशा जो है वो मिनिमम आंसर प्रोवाइड करती है, इट मीन्स कि करंट हमारा ज़ीरो को फॉल कर जाएगा। देन मज़ीद अगर जो है वो हम स्टडी करें तो यहाँ पे भी हम एक स्लोप जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो भी वर्टिकल, इट मीन्स करंट अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करें तो ये हॉरिजॉन्टल है, इट मीन्स करंट ज़ीरो, और ये चीज़ जो है वो हमारी कॉरस्पॉन्डिंगली आगे से आगे प्रोसीड करती रहेगी, और इस तरह हम वोल्टेज की वैल्यू जो है वो फाइंड करते रहेंगे। अब यहाँ पे जो फिनोमिना हम यहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यू जो है वो फाइंड करते रहेंगे। तो स्टार्टिंग में वोल्टेज हमारा यहाँ मैक्सिमम है, फिर जब स्लोप हमारी हॉरिजॉन्टल हुई तो वोल्टेज ज़ीरो हो गया, फिर स्लोप हमारी वर्टिकल हुई तो वोल्टेज हमारा मैक्सिमम नेगेटिव हो गया, अगेन हमारी स्लोप हॉरिजॉन्टल हुई तो वोल्टेज हमारा ज़ीरो हो गया। फ्रॉम दिस डिस्कशन हमने डिसाइड क्या किया कि वोल्टेज जो है वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस टाइम ये पाई बाय टू है, जबकि करंट जो था वो यहाँ पे ज़ीरो था, इट मीन्स कि वोल्टेज जो है वो अब लीड कर रहा है और करंट हमारा जो है वो लैग कर रहा है। तो इसको अगर हम जो है वो वेक्टोरिकली जो है वो अगर प्रूव करवाना चाहें तो हम यूँ करवा सकते हैं कि वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। सो ये हमारी जो है वो एसी थ्रू जो है वो इंडक्टर की हमने सिंप्लीफिकेशन देखी। अब स्टूडेंट्स एक काम अगर हम ये सोचें कि एसी थ्रू इंडक्टर की जो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऑपोजिशन ये प्रोवाइड करता है ना, तो अगर हम जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टर जो हम लगाते हैं सर्किट में वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, सेम इसी तरह जो हमारे इंडक्टर होते हैं वो भी कुछ ऑपोजिशन प्रोवाइड करते हैं, और उनकी ऑपोजिशन को जो है वो हम क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंस का, ठीक है। तो इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो हमारे पास कहलाती है, ठीक है। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको एक्स एल से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो होती है किस चीज़ की, वी आर एम एस यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट की। सो ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे रिएक्टेंस आ गई है, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारा स्टेप था यहाँ पे। अब अगर इसकी हम वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो ये हमेशा एक्स एल जो है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के, ओमेगा 2πf है और ये एल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई है। अब मज़ीद अगर हम जो है वो देखें तो इसमें रिलेशन क्या हम चेक कर सकते हैं, ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि रिएक्टेंस डिपेंड कर रही है किस चीज़ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी पे। इंडक्टेंस भी कांस्टेंट है और 2π भी कांस्टेंट है, इट मीन्स कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारे ऑल्टरनेटिंग सोर्स की ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस भी कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगी, हमारे पास कम जो है वो ज़रूर होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि पावर का क्या फैक्टर होता है हमारे इंडक्टर्स के अंदर, तो बेसिकली जो हमारे इंडक्टर्स हैं वो नॉन डिसिपेटिव सर्किट्स होते हैं, नॉन डिसिपेटिव यानी ये पावर को जो है वो डिसिपेट नहीं करते, पावर वेस्ट नहीं होती इसके अंदर। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही आप अल्टरनेटिंग सोर्स से, फॉर एग्जांपल कि पॉजिटिव हाफ साइड ये इस तरह से गिवन है, ठीक है, आपको जैसे ही आप जितनी एनर्जी इसके थ्रू अपने इंडक्टर को प्रोवाइड करते हैं, इंडक्टर सबसे पहले क्या करता है, अपने आप को फुली जो है वो एनर्जाइज होता है, और देन वो उतनी ही एनर्जी अपने में से लूज कर देता है। इट मीन्स कि जितनी एनर्जी यहाँ से जितनी पावर आप दे रहे हैं वो इसको मिलेगी, और आफ्टर यूटिलाइजिंग वो इसी पावर को लूज़ कर देगा और दोबारा ये सर्किट के अंदर जो है वो वर्क करना शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि किसी किस्म की पावर जो है वो आपके इंडक्टर में डिसिपेट नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो इसी सर्किट में ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन दिस एंड
दिस। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास। अगर इस चीज़ को हम मज़ीद जो है वो देखना चाहें तो आप यूँ भी कंसिडर कर सकते हैं, लाइक फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल क्या हुआ, यूँ इतने पार्ट के लिए देख लें, इतनी साइकिल के लिए जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आपने एनर्जी इंडक्टर को दी। नेक्स्ट यहाँ क्या होगा, इंडक्टर तमाम एनर्जी बाहर दे देगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में वही एनर्जी इंडक्टर को मिलेगी और देन वही एनर्जी इंडक्टर जो है वो लूज़ कर देगा। इट मीन्स कि एनर्जी ओवरऑल सिस्टम की कंजर्व रहती है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 16.5, डेट इज़ द AC थ्रू इंडक्टर्स।